हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टनर आज हम बात करेंगे जेन आयर बाय शार्लोट ब्रोंटे ये एक फेमिनिस्ट नॉवल है दोस्तों जिसमें मॉडर्न सोसाइटी में वीमेन की पोजीशन को डिस्क्राइब किया गया है और शार्लोट ब्रोंटे ने जब ये वर्क लिखा था ये नॉवल लिखी थी तो उसके पीछे एक रीज़न रहा था जो कि इस टाइप से एक्सप्लेन है शार्लोट वंस रोड टू रोबर्ट साउदी इंग्लैंड पोइट लॉरिएट शार्लोट एक बार रोबर्ट साउदी को लिखती है किसी वर्क के बारे में इंग्लैंड पोइट लोरियट जो कि इंग्लैंड के पोइट हैं और लॉरियट हैं लोरियट का मतलब होता है प्राइज़ विनर जो पुरस्कार विजेता होते हैं उन्हें लोरियट बोला जाता है आस्किंग फॉर एडवाइस किसी एडवाइस किसी वर्क से रिलेटेड या किसी भी नॉवल से टेड कोई चीज पूछने के लिए वो उनको एक लेटर लिखती है शार्लोट वाज बाय एज इट सेज शार्लोट एकदम से शोक हो गई साउदी के आंसर को देख के साउदी ने उस लेटर के बारे में क्या रिस्पॉन्स दिया था शी शिवर शॉक्ड उन्होंने बोला लिटरेचर कैन नोट द बिजनेस ऑफ अ वुमेन्स लाइफ एंड इट और नोट टू भी उन्होंने कहा कि लिटरेचर जो है वो वुमेन की वुमेन की लाइफ का कोई बिजनेस नहीं है ये आपसे रिलेटेड है ही नहीं आप इसको छोड़ दो और ये होना भी नहीं चाहिए आपका इससे कोई लेना देना नहीं है कोई रिश्ता नहीं है आपका ये कोई बिजनेस नहीं है तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए सच में रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था तो आगे क्या होता है द रिस्पॉन्स वॉज नॉट सपोर्टिव रिस्पॉन्स तो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं था हाउ एवर शारलोट इंसिसटेड ऑन चैलेंजिंग टिल लिटरेचर बिकेम अ बिजनेस ऑफ विमेन एंड अलाउड दैम टू डोमिनेट द फिक्शन मार्केट तो शार्लोट क्या होती है कि मतलब इस चीज़ पर अडिग हो जाती है खड़ी हो जाती है कि मैं तब तक लड़ती रहूँगी जब तक लिटरेचर वुमेन का बिजनेस नहीं बन जाता जब तक वुमेन लिटरेचर के वर्क या कोई भी वर्क फिक्शनल वर्क लिखना स्टार्ट नहीं कर देती जब तक मैं अडिग्रहंगी एंड अलाउड दैम टू डोमिनेट द फिक्शन मार्केट और उनको अलाउड कर देती है कि जाओ लिखो और फिक्शन मार्केट को डोमिनेट कर दो जेन आयर इज़ द फर्स्ट ऑल्सो द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर नावल टू रिप्रजेंट द मॉडर्न व्यू ऑफ वीमेंस पोजिशन इन सोसाइटी जे नायर फर्स्ट नावल है और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और पॉपुलर नावल है जो कि वीमेन की पोजिशन को रिप्रजेंट करती है मॉडर्न सोसाइटी में although the term feminist has only recently come into use universally jane eyre by charlotte bronte has been acknowledged as a feminist novel since published और जो टर्म है फेमिनिस्ट वो भी फर्स्ट टाइम में तभी यूज़ में आई थी जब शार्लोट ब्रोंटे ने जेन आयर को लिखा था और जब ये पब्लिश हुई जब से लेके अब तक एक ही फेमिनिस्ट नॉवल है द कैरेक्टर ऑफ जेन आयर इज़ लुक्ड अप टू बी मैनी जो जेन आयर का करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग दिखता है ड्यू टू हर स्ट्रोंग नेचर एंड एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम द मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज एप्लीकेटेड बाय हर आंट एंड टीचर फ्रॉम अ यंग एज अब उसका जो नेचर है उसका जो करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखता है क्यों दिखता है हर स्ट्रॉन्ग नेचर उसके स्ट्रॉन्ग नेचर की वजह से और एबिलिटी टू तो बाउंस बैक फ्रॉम द उसके ऊपर जो जो मेंटल और फिजिकल अब्यूज़ हुआ है जो जो उस पर अत्याचार हुआ है उससे वो कैसे बाउंस बैक हुई है उससे कैसे उसने लड़ाई की है कैसे वो उससे वापस आई है जो कि उसकी आंट ने और उसके टीचर उसके ऊपर करते आ रहे हैं एक यंग एज से एट द बिगेनिंग जेन यूज़ द नॉलेज शी लर्नस फ्रॉम द बुक्स टू डिफेंड हर सेल्फ वैन शी इज़ एंग्री जब स्टार्टिंग में उसके ऊपर कोई भी अत्याचार किया जाता है या मेंटल फिजिकल उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है तो वो उसको कैसे डिफेंड करती है वो उसको उस नॉलेज से डिफेंड करती है जो अब तक उसने बुक्स पढ़ी थी और जितना उसने बुक्स में सीखा था वो उसको उसमें यूज़ करती है और वो बोलती है उसका जो ड्राइवर है उसकी आंट का ड्राइवर है वो भी उसको टॉर्चर करता है उसकी आंट भी उसको टॉर्चर करती है और जब उसको स्कूल में भेज दिया जाता है तो वहाँ के टीचर भी उसको टॉर्चर करते हैं तो वो बोलते हैं है यू आर लाइक ए मर्डर यू आर लाइक ए स्लेव ड्राइवर यू आर लाइक द रोमन रोम एम्प्रो ड्राइवर को ये सब बातें बोलती है कि तुम एक मर्डरर के जैसे हो तुम एक स्लेव की तरह हो और तुम रोमन एम्प्रर्स की तरह हो जो इतना ज्यादा टॉर्चर करते हो हर एंग्री एंड कैटिक इमोशंस हैव बिल्ट सिंस सीन्स लॉस्ट हर पेरेंट्स एंड वॉज अडॉप्टेड अनविलिंगली बाय मिसिज रीड उसके जो गुस्से वाले और उसके कैटिक जो आक्रोश वाले इमोशंस होते हैं वो बहुत पहले से बिल्ट हो चुके थे अभी नए बिल्ट नहीं हुए क्योंकि उसने बचपन में ही बहुत पहले बहुत अर्लियर टाइम में अपने पेरेंट्स को खो दिया था एंड वॉज अडॉप्टेड अनविलिंगली बाय मिसिज रीड और उसकी एक आंट है मिसिज रीड उन्होंने उसको अडोप्ट किया था लेकिन उन्होंने एक कोई इच्छा नहीं थी अनविलिंगली ही उसको अडोप्ट किया था उसकी सिर्फ एक मजबूरी थी उसको अडोप्ट करना जेन कैन नॉट फाइंड हर प्लेस इन दिस फैमिली जेन जो है मिसेस रीड की फैमिली में अपनी जगह नहीं बना पा रही थी हर एंगर एंड डेस्परेशन बिकम मोर इंटेंस ईच टाइम मिसेस रीड्स फैमिली ट्रीट्स हर नोट एज ए फैमिली मेम्बर बट मोर लाइक ए सर्वेंट उसका जो गुस्सा है उसकी जो निराशा है उदासी है वो हर बार और बढ़ जाता था ज़्यादा होता जा रहा था वो कम नहीं हो रहा था ऐसा क्यों हो रहा था क्योंकि मिसिस रीड की फैमिली में उसे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा था एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा था सर्वेंट की भी कहीं ना कहीं इज्जत हो जाती है वो पैसे ले चला जाता है लेकिन इस लड़की की यहाँ पर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी उसे सिर्फ काम करवाया जाता था और उसको टॉर्चर किया जाता था जेन्स बस्ट ऑफ इमोशंस अगेंस्ट हर कल रेडरूम जो जेन का कज़न है मतलब मिसिज रीड का बेटा है जिसका जोन नाम है एक दिन उसकी जेन के साथ जो रीड के बच्चे हैं वो भी उसको टॉर्चर करते हैं मिसिज रीड भी करती है और उसका ड्राइवर भी करता है तो एक दिन जोन के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है जेन की तो फिर वो अपना गुस्सा दिखाती है क्योंकि उसके साथ सब चीज़ें गलत हो रही थी तो कहीं ना कहीं तो इंसान अपना बर्स्ट आउट करेगा ना तो वो अपना गुस्सा दिखाती है और उसको रेड रूम में बंद कर दिया जाता है एक रूम है उसका नाम है रेड रूम में उसको बंद कर दिया जाता है जेन को एंड इवेंचुअली सेंड टू द लोवुड स्कूल और उसको लोवुड स्कूल में भेज दिया जाता है वे शी स्पेंड्स द रेस्ट ऑफ हर चाइल्ड हुड जहाँ वो अपना बचा हुआ बचपन गुजारती है एंड द बिगेनिंग ऑफ हर एडोलसनस एडोलसनस का मतलब होता है किशोरावस्था जो उसकी यंग एज स्टार्ट होती है तो जहाँ पर बचा हुआ बचपन गुजारती है और अपनी जो एडोलसन्स होती है उसकी शुरुआत भी उसकी लॉवुड स्कूल में ही होती है व्हेन जेन इज़ अगेन ट्रीटेड अनफेयरली एंड लाइबल्ड बाय मिस्टर ब्रोकले हर्स्ट थ्रू द सपोर्ट ऑफ हर पेशेंट फ्रेंड हेलन बर्न्स एंड काइंड हर्ट मिस टेम्पल देखो क्या होता है वो लॉवुड स्कूल में चली जाती है तो वहाँ पर जेन को फिर से अनफेयरली ट्रीट किया जाता है एंड लाइबल्ड लाइबल्ड ट्रीट किया जाता है लाइबल्ड का मतलब होता है कि किसी इंसान को झूठ के सहारे बदनाम करना अब कोई इंसान है वो बहुत अच्छा है हमें पता है लेकिन हमें उसे बदनाम करना है तो हम उसका झूठा र्यूमर फैलाते हैं अफवाह फैलाते हैं कि ये इंसान ऐसा है ऐसा है तो उसके साथ लोवर्ड स्कूल में यही होता है मिस्टर ब्रोकले हर्स्ट जो उसके टीचर होते हैं वो उसके साथ यही करते हैं लेकिन थ्रू द सपोर्ट ऑफ हर पेशेंट फ्रेंड हेलेन बर्न्स एंड काइंड हार्टिड मिस टेम्पल शी रिलीज़ हर इंडिग्नेशन लेकिन वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड बन जाती है जो कि पेशेंट है जो बीमार है किसी बीमारी से वो बीमारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल रही है उस स्कूल में उस एरिया में हेलन बर्ंस जिसका नाम है और वहाँ पर एक टीचर है मिस टेम्पल तो वो दोनों इसके काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं शी रिलीज़ हर इंडिग्नेशन जिनके सहारे वो अपना आक्रोश निकाल देती है सारा सारा अपना गुस्सा निकाल देती है सब कुछ उनको बताती है कि मेरे साथ ये ये हुआ है जेन आयर एक्सपीरियंस इज इमोशनल ट्रांजिशन व्हेन शी नो लॉन्गर फील्स लाइक ए वेंडर बट गेन अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग थ्रू द केयर ऑफ़ मिस टैंपल एंड द सपोर्ट ऑफ हेलन अब जेन के साथ जेन मतलब बहुत ज़्यादा वेंडर फील कर रही थी बहुत ज़्यादा कि मैं बाहर ही हूँ अजनबी हूँ मैं यहाँ पर लेकिन जब हेलन बर्नस उसकी दोस्त बन जाती है और मिस टेम्पल उसकी दोस्त बन जाती है तो वो अब ऐसा फील नहीं करती है वो काफ़ी अच्छा फील करती है और वो इमोशनली उनके साथ जुड़ जाती है एट थोर्नफील्ड जेन मीट्स मिस्टर रोचेस्टर एंड एक्सपीरियंस इज़ द मोस्ट पावरफुल इमोशन लव अब थोर्नफील्ड नाम की जगह है वहाँ पर जेन आती है और जेन मिस्टर रोचेस्टर नाम के एक इंसान से मिलती है एंड एक्सपीरियंस इज द मोस्ट पावरफुल इमोशन लव और उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है वो सोचती है कि ये प्यार बहुत ज़्यादा पावरफुल है लव मेक्स जेन ब्रेव एंड मैच्योर जो रोचेस्टर के प्रति उसका प्यार होता है जेन का वो उसको बहुत ज़्यादा ब्रेव बना देता है और बहुत ज़्यादा मैच्योर बना देता है द फाइनल इमोशनली ट्रांजिशनल स्टेट फॉर जेन आयर हैपन्ड अब क्या होता है एक बार तो यूज इमोशनल ट्रांजिशन उसका हुआ था लोवुड स्कूल में जब मिस टेम्पल और हेलिन बर्ंस उसके फ्रेंड बने थे अब उसके साथ एक और चीज़ होती है वैन सेंट जॉन आस्क हर टू मैरी हिम एंड गो टू इंडिया टू सर्व एज ए मिशनरी अब सेंट जॉन नाम का एक आदमी होता है तो वो उसको शादी के लिए प्रपोज करता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो इंडिया में टू सर्व एज ए मिशनरी मिशन मिशनरी का मतलब होता है कि एक धर्म का प्रचार करने वाला मतलब एक धर्म का रिलीजन से रिलेटेड होता है कि इस धर्म का प्रचार हमें वहाँ करना है तो तुम इस मिशन के साथ मेरे साथ इंडिया चलो मुझसे शादी करके जेन स्ट्रॉन्गली रिफ्यूज सेंट जॉन्स प्रपोजल एंड डिसाइडेड टू फॉलो हर हर्ट एंड मैरी हर लवर मिस्टर रोचेस्टर लेकिन जेन ने उसको स्ट्रॉगली मना कर दिया कि मेरा तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो हाउ कैन आई लाइव विद यू और वो बोलती है कि Uh, मैं तो रोचेस्टर से ही शादी करूँगी क्योंकि मैं रोचेस्टर से ही प्यार करती हूँ उसने एक्सेप्ट कर लिया था जीन आर अंडर गोज़ अ पीरियड इन विच शी वॉज कॉल्ड अ मेड कैट और टाइटल्ड लेस देन अ सर्वेंट इन मिसिज रेड्स हाउस मिसिज रेड्स हाउस में उसको बहुत ज़्यादा नाम से बोला जाता था ए मेड कैट मतलब एक पागल बिल्ली और टाइटल लेस देन ए सर्वेंट कि सर्वेंट से भी तुम तो नीचे हो तुम क्या ही हो उसको मिसिज रीड हाउस में इन नामों से बुलाया जाता था डीप इन हर माइंड जेन इट्रांगली रिफ्यूज दीज नेम्स अब अपने अंदर ही अंदर वो सोचती थी कि मुझे ये इस नाम से क्यों बुलाते हैं उसे उन नामों से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी किसी को मना तो कर नहीं सकती थी तुम मुझे ये मत बुलाओ खुद से ही बातें करती थी देयर फॉर शिओफन हाइड्स एंड रीड बुक इन ऑर्डर टू एजुकेट हर सेल्फ इसलिए वो बाहर नहीं निकलती थी खुद को छुपा के रखती थी कि अगर मैं किसी को दिखूंगी तो वो मुझे बोलेगा अ मेड कैट लेस दैन अ सर्वेंट तो वो खुद को छुपा के रखती थी और सिर्फ पढ़ाई करती रहती थी किताबों को पढ़ती रहती थी एजुकेट इन ऑर्डर टू एजुकेट हर सेल्फ खुद को एजुकेट करने के लिए जेन हैज सिमिलर एक्सपीरियंस इज़ एट लॉवुड स्कूल वे शी इज़ इनकोरेक्टली लेबल अब उसको मिसिस रीड के घर में इन नामों से बुलाया जाता था अब वो लोड लॉवुड स्कूल में गई तो उसे वहाँ भी इन अजीब अजीब नामों से बुलाया जाता है एंड इंटरलोपर एंड एन एलियन इंटरलॉपर का मतलब होता है कि किसी इंसान का वहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है फिर भी वो वहाँ पर रह रहा है एंड एन एलियन एलियन का मतलब तो सबको पता ही है कि जो वो इस प्लैनिट का है ही नहीं एंड अ लायर बहुत बड़ी झूठी हो देयर इन थोन फील्ड शी कंटिन्यूस टू एजुकेट हर सेल्फ बाई पॉइंटिंग एंड रीडिंग टू बिल्ड अप द रियल जेन आयर आइडेंटिटी अब थोन फील्ड में क्या होता है वो खुद को एजुकेट करती रहती है और पेंटिंग करती रहती है उसको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है एंड रीडिंग टू बिल्ड अप द रियल जेन आयर आइडेंटिटी जो रियल जेन आयर है उसकी आइडेंटिटी को बिल्ड करने के ऑर्डर में एट द एंड ऑफ द स्टोरी शी chooses टू गिव अप हर इंडिपेंडेंस एंड reunite with विद मिस्टर रोचेस्टर और स्टोरी के एंड में क्या होता है वो अपनी इंडिपेंडेंस को अपनी स्वतंत्रता को त्याग देती है और मिस्टर रोचेस्टर के साथ रहने लग जाती है वो मिस्टर रोचेस्टर से प्यार करती थी लेकिन रोचेस्टर उससे प्यार नहीं करता था वो सिर्फ उसका यूज़ करने के लिए उसके साथ था अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना थैंक यू